सर्दी के मौसम में लोग खुद को गर्म रखने के लिए कई उपाय अपनाते हैं। गाँव में लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का इंतजाम कर लेते हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में रूम हीटर या ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो रूम हीटर लोगों को काफी पसंद आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इससे होने वाले नुकसान के बारे में नहीं जानते। दरअसल अधिकतर रूम हीटरों में लाल गर्म धातु की रॉड लगी होती है, जो हवा में मौजूद नमी को सोख लेती है और इस वजह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे रूम में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी वजह से हीटर को कभी बंद कमरे में यूज नहीं करना चाहिए। लंबे समय तक रूम हीटर के इस्तेमाल से बड़े ही नहीं बच्चों को भी नुकसान होता है। इससे स्किन में नमी कम होने लगती है, जिससे खुजली या एलर्जी भी हो जाती है। कभी कभी तो स्किन पर डार्कनेस भी आ जाती है। बंद कमरे में रूम हीटर का ज्यादा इस्तेमाल करने से लोगों को घुटन, जी मचलाना और सिर दर्द की दिक्कतें होने लगती हैं। हालांकि अगर आपको रूम हीटर का इस्तेमाल करना ही है, तो अपने कमरे में वेंटिलेशन का खास ख्याल रखें और रूम हीटर को थोड़ी देर ही चलाएं और फिर कमरा गर्म होने पर बंद कर दें। दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।